कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम DLED 4 सेमेस्टर के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और इसकी हम लगभग 7 क्लासें कर चुके हैं। आज की क्लास आपकी 8वीं क्लास है और आज हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे आगे पढ़ेंगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज अच्छे अच्छे सवालों पर डिस्कस करेंगे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, उन पर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि 43200 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है। हमसे पूछा है कि 43200 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। 43200 में हम ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा कर दें छोटी से छोटी, जो हमारी 43200 है वो पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। चलिए इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 43200 के। 43200 मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 2 1 2 और 2 6 12, 0 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 0, 2 8 16, 0 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, ठीक है, 2 4 8, 0 0, ठीक। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, कितना जाएगा ये देखो, 2 2 4, 2 7 कितना को 14, 0 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 और 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 6 12, 2 5 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, ठीक है, और 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। तो हम 43200 को कैसे लिख सकते हैं, 43200 को हम लिख सकते हैं, देखो कितनी बार 2 है, 6 बार 2 है तुम्हारा, 3 बार 3 है और 2 बार 5 है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो पेयर बनाते हैं हम, हमें क्या चाहिए, पूर्ण घन बनानी है तो 3 3 के पेयर बनने चाहिए सारे के सारे। तो देखते हैं, यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा और यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा, लेकिन 5 का पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं 5 से और मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर 5 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 का एक पेयर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 43200 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो वो संख्या क्या है आपकी, 5 है। अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। तो लिख देंगे, इसलिए वह छोटी संख्या इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का पेयर बन जाएगा और ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। आंसर आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको मिटा दो।
चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मिटा देता हूँ इसको। चलिए मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, क्वेश्चन नंबर दो है कि ये कह रहा कि 13122, ठीक है, 13122 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो फिर वही क्वेश्चन है कि पहले हमसे बोला था मल्टीप्लाई के लिए कि छोटी से छोटी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें, अब हमसे बोला कि छोटी से छोटी संख्या से हम डिवाइड करें, भाग करें, जो कि हमारा जो भागफल आएगा वो हमारा क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके, 13122। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो कितने से जाएगा ये, दो से जाएगा, दो से काटो, दो छक्का 12, दो पंजे 10, दो छक्का 12, दो एक ना 2। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कितने से जाएगा, 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 3 दूनी 6, ठीक, कितना बचा 5, 3 एक ना 3, 2, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नौ 27। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, देखो इसको, 3 दूनी 6, ठीक है, एक बचा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तीन 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एक ना 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा, 3 नौ 27। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं एक बार। इसका मतलब क्या है कि मैं 13122 को क्या लिख सकता हूँ, 13122 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 6। कितनी बार आया, देखो 6 मेरा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब क्या करते हैं, पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो 3-3 के पेयर बनाते हैं, देखो यहाँ से 3 का पेयर बन जाएगा, यहाँ से 3 का पेयर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर 1-3 और होता तो 3 का भी पेयर बन जाता, और यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। तो जितने भी ये शेष बच रहे हैं आपके, अगर इनसे हम भाग कर दें इस संख्या में, तो हमारा एक भागफल जो होगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, इसलिए वह छोटी संख्या क्या होगी, 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि ये शेष बच रहा है, इनका पेयर नहीं बनने 3-3 के। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 36 18। ठीक है, तो 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 13122 में डिवाइड कर दें, जिससे 18 से अगर हम 13122 को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा भागफल आएगा वो क्या होगा, हमारा पूर्ण घन होगा। ठीक है, आंसर, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अगर आपको नोट करना हो होया करे तो वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आपसे बोलेगा निम्नलिखित संख्याओं का
घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं आपकी हैं, क्या है संख्याएं आपकी? देखो पहली संख्या है आपकी क्यूब रूट 27 × 64। ठीक है, दूसरी संख्या है आपकी क्यूब रूट कितना है 125 × 216। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, इनको क्या करना, हमें इनका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहले पार्ट की, तो आपको पता है कि ये क्या है, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट कितना, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27। ठीक है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 16 = 64 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 के पेयर बन गए और यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब रूट है। ठीक, तो 1 3 बाहर आएगा और यहाँ से कितना बाहर आएगा, 4। इसका मतलब क्या है, ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इसका जो आपका क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 12 आंसर। ठीक है, दूसरा आपका है क्यूब रूट 125 × 216। ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 125 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 5 × 5 × 5, 5 × 25 = 125। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर हमने करके भी देख सकते हैं आप, मैंने कई बार करा दिया है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वरना आप प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे हम, देखो इसको लिखेंगे 6 × 6 × 6। ठीक है, 6 × 6 = 36, 36 कितना होता है, 216 होता है आपका। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे 6 का पेयर बन गया और यहाँ पे 5 का पेयर बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ से 5 आएगा बाहर और यहाँ से कितना आएगा, 6 इक्वल टू कितना आएगा, 30। ठीक, तो इसका आंसर, इसका क्यूब रूट कितना हो गया आपका, 30। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए कि जो स्क्वायर क्यूब रूट जो होता है हमारा, क्यूब रूट ए इंटू बी जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, वो उसके बराबर होता है क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं वरना डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका मन करे वैसे सोल्व करो। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि क्यूब रूट ए इंटू वी जो होता है वो क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी होता है। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। देखो इसको मैं आपको सेटिस्फाई करा के दिखाता हूँ। जैसे देखो अब ये है इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 125 इंटू क्यूब रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, 216 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 125 का कितने आएंगे, देखो क्यूब रूट इसको क्या लिखेंगे हम, 5 × 5 × 5 लिखेंगे। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 6 × 6 × 6, एक पेयर बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, तो यहाँ से कितना 5 बाहर आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 6 = 30। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हमने किया था तब भी हमारा 30 आया था, और हमने इस फॉर्मूले की मदद से किया तब भी हमारा 30 आया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, और ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी मैंने कराए अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आपकी, क्योंकि आज यूनिट 4 आपकी फिनिश करानी है, आज आपकी यूनिट 4 फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हम यूनिट 5 पे चलेंगे। कल की क्लास में जो पढ़ाएंगे आपको वो यूनिट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 29 = 791/1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या है, इस तरह की भिन्न को हम क्या बोलते हैं, ये इस तरीके की भिन्न को हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न, या हम बोलते हैं इनको मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न बोलते हैं इस तरीके की भिन्न को। अब ये हमारी संयुक्त भिन्न है, सबसे पहले हम इस भिन्न को क्या करेंगे, सबसे पहले इस भिन्न को हम करेंगे विषम भिन्न में कन्वर्ट, विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। विषम भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे, तो कितना आएगा हमारा,
देखो 29,000 आएगा प्लस इसमें हम क्या करेंगे 791 को ऐड करेंगे, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमारा 1,000 ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। उसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 29,791 लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा 1,000 एज ए दिस रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये हमारी भिन्न आ गई, कौन सी भिन्न आ गई, ये हमारी विषम भिन्न आ गई। विषम भिन्न क्या है, देखो ये हर होगा और ये क्या होगा, सॉरी ये होगा हमारा अंश और ये क्या होगा हमारा हर होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं का हमने घनमूल निकालने के बारे में डिस्कस किया था, तो ये परिमेय संख्या बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंश का घनमूल निकालेंगे और इसके हर का घनमूल निकालेंगे और हर का घनमूल निकालेंगे और एज इट इज रख देंगे अंश अपॉन हर में, तो हमें क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट पता चल जाएगा, इसका घनमूल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम 29,791 का घनमूल निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 29,791 का हम घनमूल निकालें, 29,791 का घनमूल निकालें तो कैसे करेंगे, देखो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 7 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 9 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका 31 से डिवाइड होगा, 31 से डिवाइड होगा, 31 से डिवाइड होगा, कितनी बार जाएगा ये 961 बार जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका कितनी बार जाएगा ये 961 बार जाएगा, फिर 31 से हम इसको डिवाइड करेंगे फिर कितनी बार जाएगा ये 31 बार जाएगा। ठीक है, फिर 31 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2997 को हम क्या लिख सकते हैं, 2997 को हम लिख सकते हैं 29,791 को हम लिख सकते हैं 31 गुणा 31। ठीक है, एक पेयर बनेगा तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, घनमूल इसका घनमूल कितना हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 31। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 31 का क्या है, घन है 29,791। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद 1,000 का घनमूल की बात करें तो 1,000 का कल भी हमने पिछली वीडियो में भी कई बार निकाला था 1,000 का, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1,000 को एज इट इज लिखेंगे, उसका घनमूल निकालने की कोशिश करेंगे। देखो 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 से नहीं 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 500 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 250 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 125 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको 25 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा। और 5 से कितनी बार जाएगा ये 1 बार जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1,000 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ से देखो एक पेयर बनेगा 3 का और यहाँ से एक 3 का पेयर बनेगा और इनके पेयर में से एक यहाँ से आएगा 2 और एक यहाँ से आएगा 5। ठीक है, तो कितना हो गया ये 2 × 5 = 10। इसका मतलब क्या है कि 1,000 का जो घनमूल है वो कितना आपका 10 है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हमें चाहिए किसका, 29,791/1,000 का घनमूल। ठीक है, तो 29,791 का घनमूल क्या आया था 31 और 1,000 का घनमूल कितना आया था 10। ठीक है 31 बटे 10 इसका क्या आ गया, घनमूल आ गया। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.1। ठीक है, 3.1 क्या होगा हमारा 29,791/1,000 का क्या होगा, घनमूल होगा आंसर। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे आपके एग्जाम में उसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है घन से संबंधित। बेसिकली ये टॉपिक जो है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अब, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं इसी टाइप के। ठीक है, तो पढ़ा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूं घन की। घन क्या होता है, बेसिकली घन क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपने लूडो खेली होगी तो लूडो का जो गोटा होता है, ठीक है, जिसको हम डाइस बोलते हैं, पासा भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाइस पासा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो घन होता है। ठीक, या कपड़े धोने का जो साबुन आता है आपका सफेद वाला, आपने देखा होगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ठीक है, घन का मतलब होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो।
घन एक ऐसा त्रिविमीय क्या है फिगर है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। अगर मैं घन बनाने की बात करूं तो मैंने घन बनाया एक, ठीक है, ये मैंने घन बनाया, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया घन आ गया, इसको हम बोल देते हैं घन, ठीक। अगर मेरी भुजा ये x है तो ये भुजा भी मेरी क्या होगी x होगी और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी x होगी, ठीक है। मतलब कि घन की जो सारी भुजाएं होती हैं वो क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी की सारी क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो सभी को मैंने क्या मान लिया x x मान लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आई थिंक आपको। इसके बाद अगर मैं घन के आयतन की बात करूं, इस घन के आयतन की बात करूं, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं आधार का एरिया, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणा ऊंचाई, ठीक। किसी भी फिगर का आपको क्या निकालना हो, आयतन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मतलब कि आधार के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता, आयतन आ जाता है, ठीक है। तो देखो अगर इसके आधार की बात करूं तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। तो ये इसका आधार होगा, आधार किसके शेप में है, स्क्वायर के शेप में है, स्क्वायर का जो एरिया होता वो कितना होता, x स्क्वायर, मतलब कि भुजा की घात 2, क्या होता है भुजा की पावर 2, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा आपका x स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी, तो वो सारी की सारी भुजाएं इसकी क्या है बराबर है x है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी आपकी x होगी। तो इसका जो देखो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 3, ठीक है, ये यूनिट क्यूब में आता है, ठीक है। यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकती है, यूनिट क्यूब में आता है, ठीक है। ये हो गया घन का आयतन, ठीक। अगर मैं इसके बात करूं और यहाँ पे क्या है ये x क्या भुजा कोई भी साइड है, तो घन का आयतन अगर मैं इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, घन का आयतन बराबर क्या होगा आपका भुजा की पावर 3 इकाई क्यूब, ठीक है। क्या होगा भुजा की पावर 3 इकाई क्यूब, इसका क्या हो जाएगा घन का आयतन हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं भुजा की बात करूं, भुजा हम कैसे निकालेंगे, तो घन की भुजा, इसलिए घन की भुजा क्या होगा, वो होगा घन का आयतन की पावर, देखो ये 3 है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/3, इसको हम क्या बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट घन का आयतन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो घन की भुजा क्या होगी, घन की भुजा होगी क्यूब रूट घन का आयतन, ठीक है। अगर हम घन के आयतन का क्यूब रूट निकाल दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, घन की भुजा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मैं मिटाता हूँ इसको, क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ इसको, अब चलते हैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे इस पर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली को एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप क्रम से 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 1.6 सेंटीमीटर है,
हैं धातु की सिल्ली को धातु की सिल्ली को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है तब घन की भुजा बताइए ठीक है, हमसे पूछा है एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली का माप क्रम से 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या 1.6 सेंटीमीटर है। धातु की सिल्ली को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तब घन की भुजा बताइए। हमें क्या करना है, घन की भुजा बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, घन की भुजा निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या होगा, धातु की ठोस सिल्ली का आयतन, ठीक है। देखो, आपने हाई स्कूल में इंटर में पढ़ा होगा, जब आपने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा होगा कि जो जितनी, जैसे कि धातु की सिल्ली है, यहाँ पे जितना घन इसका होगा, आयतन जितना इसका होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, घन का आयतन होगा। ठीक है, जब हम किसी मटेरियल को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, एक चीज़ से दूसरे कन्वर्ट में दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तब आयतन क्या होता, सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, घन का आयतन जो होगा वो धातु की ठोस सिल्ली के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम धातु की ठोस सिल्ली का आयतन निकालें तो उसका आयतन होगा कितना, 10 × 4 × 1.6, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है घन का, ठोस का आयतन, जो आयताकार ठोस होता है उसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 64, ये कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो घन का आयतन कितना आ गया हमारा, घन का आयतन आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, घन की भुजा। घन की भुजा के लिए मैंने बोला था कि घन का जो आयतन होगा उसका क्या निकालेंगे हम, क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो घन की भुजा, घन की भुजा बराबर क्या होगा, क्यूब रूट घन का आयतन। ठीक है, उसके बाद घन का आयतन कितना हमारा, क्यूब रूट 64 का क्या निकालेंगे हम, क्यूब रूट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखिए, 64 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 4, फिर 2 से जाएगा 16 बार, फिर 2 से जाएगा 8 बार, फिर 2 से जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 2 से जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, ये आपसे 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ से एक पेयर बनेगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा, इसका मतलब क्या आ गया, 2 × 2। ठीक है, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो इसका 64 का क्यूब रूट कितना आया हमारा, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब घन की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। हमसे क्या बोला था, घन की भुजा पूछी थी, तो ये घन की भुजा हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मिटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप से, उसको देखते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फल निर्यातक घनाकार पेटियों में सेबों की पैकिंग इस प्रकार करता है कि एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं, एक पंक्ति में जितने सेब रखता है वह पेटी में रखे सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में जितने सेब रखे, जैसे कि हमने मान लिया कि एक पंक्ति में उसने 8 सेब रखे, तो पेटी में रखे सेबों की उतनी ही पंक्तियां, कितनी पंक्तियां, तो एक पंक्ति में 8 सेब रखे तो उसमें 8 ही क्या है, पंक्तियां हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी यहां तक। उसके बाद कह रहा कि तथा सेबों की उतनी ही तहें रखी जाती हैं। ठीक है, एक पंक्ति में जैसे 8 सेब रखे, ठीक है,
तो उतनी ही पंक्तियां रखी, एक पंक्ति में आठ से आठ ही पंक्ति रखी उसमें, उसके बाद आठ ही उसकी तहें रखी गई ऊपर नीचे, ठीक है, समझ में आ रही बात। पहली तह, दूसरी तह, तीसरी तह, चौथी तह, ठीक है, इस तरीके से उसने कितनी रखी, आठ ही रखी। इसका मतलब क्या, ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर बन गया घन के रूप में, आ रही बात समझ में, ठीक है। उतनी ही तह रखी जाती है, यदि एक पेटी में 33-75 सेब रखे गए हों, एक पेटी में 33-75 सेब रखे गए हों, तो याद कीजिए प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए, हमसे पूछा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए, ठीक है। यदि ये वाली लाइन नहीं होती तथा सेबों की उतनी ही तय रखी जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता, इसका वर्गमूल निकालना पड़ता, क्योंकि उतने ही सेब रखे गए हैं, उतनी ही पंक्ति हैं, ठीक है, तो हमसे क्या पूछता, वर्गमूल पूछता। लेकिन इसने कहा है कि जितने सेम है एक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियां हैं, और उसके बाद उतनी ही तहें लगाई गई हैं ऊपर नीचे, ठीक है, सेबों की, तो उस प्रकार से पैकिंग की गई है जिसके, जिसमें एक पेटी में कितने सेब आ रहे थे आपके, 33-75 सेब आ रहे थे, तो हमें प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे थे उसकी संख्या बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालने की कोशिश करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसका घनमूल निकाल के देखते हैं। मैंने 33-75 एज ए दिस लिखा, 33-75, ठीक है। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं तीन से, तीन ही करा तीन, तीन ही करा तीन, तीन दूनी छः, तीन पंजे 15, फिर तीन से डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो तीन तिया 9, दो बचा, 3 7 21, तीन पंजे 15, फिर तीन से डिवाइड करो, तीन ही करा तीन, तीन दूनी छः, तीन पंजे 15, 125 आई है, किससे जाएगा, पाँच से जाएगा ये, 25 पंजे 125 होता, फिर पाँच से जाएगा ये पाँच बार, और पांच से कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 33-75 का जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पेयर बन गया और यहाँ पे भी एक पेयर बन गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक तीन आएगा और यहाँ से एक पांच आएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 15, ठीक। 33-75 का जो घनमूल है वो कितना, 15 है। इसका मतलब एक पंक्ति में जो सेवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है। इसलिए एक पंक्ति में, एक पंक्ति में सेवों की संख्या बराबर कितनी होगी, 15 आंसर, ठीक है, यही हमसे पूछा था, ठीक। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, क्योंकि जितने भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं प्रैक्टिस के लिए वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।